माय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त इजहार हसन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने यूट्यूब का जो बैनर होता है कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का एक बैनर एक ऐसी चीज़ है कि जब भी कोई आपके यूट्यूब के चैनल पर जब जाता है तो सबसे पहले आपका जो चैनल देखता है उसका बैनर देखता है। तो बैनर एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक यूट्यूब के लिए, एक यूट्यूबर्स के लिए, कि अगर आप बैनर नहीं लगाते हैं तो आपका जो चैनल होता है वो थोड़ा सा मिसिंग दिखेगा। उस पर आदमी का अट्रैक्शन जो बहुत कम ही जाएगा और बहुत कम ही लोग जो है आपके चैनल पे थोड़ा देर स्टे करने के बाद एग्जिट कर जाएंगे। तो बैनर अगर आप बना लेते हैं तो बैनर से ये फ़ायदा होता है कि जब भी कोई आपके यूट्यूब चैनल पर जाएगा तो सबसे पहले जो है आपका बैनर देखेगा, तो वो कुछ देर तक आपके यूट्यूब के चैनल पर रहेगा और आपका वीडियो को देखेगा। तो सबसे पहले चीज़ तो आप ये समझिए कि बैनर क्या चीज़ है। तो बैनर आप एक यूट्यूब के चैनल पर बना सकते हैं, आसानी से लगा भी सकते हैं, और कैसे बनाना मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। क्योंकि अगर आपको अपना YouTube का बैनर बनाना, लेकिन मैं एक बात आपको पहले बता देता हूँ कि मैं आपको जो बैनर बनाने का सिर्फ तरीका बता सकता हूँ, ये बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्रिएटिविटी कैसा है, आप किस तरीके से सोचते हैं, उस तरीके से आप अपना YouTube का जो है बैनर बना लेंगे। मैं आपको सिर्फ एक रास्ता बता सकता हूँ कि इस तरीके से आपको बनाना है, कैसे बनाना है, कहाँ से एलिमेंट्स आपको लेना है, कहाँ से आपको एलिमेंट्स लगाना है, किस तरीके से और कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करके आप बैनर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे हम लोग YouTube का बैनर बना सकते हैं और कैसे हम लोग लगा भी सकते हैं। मैं आपको दोनों चीज़ ही इसमें करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा हम लोग के लिए लंबा हो सकता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा स्किप करने की कोशिश ना करें, स्टेप बाय स्टेप देख करके फॉलो करके आप अपना आसानी से जो है YouTube का बैनर बना सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन पर जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम चलते हैं क्रोम पे। तो क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली जो है टाइप कर देना है यूट्यूब बैनर और टेम्पलेट। इतना आपको टाइप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा टेम्पलेट्स आपको मिलेगा। इमेज पे सिंपली क्लिक कर लें, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा टेम्पलेट है, आप अपने हिसाब से उसे चूज भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक आपको दिखाने के लिए एक टेम्पलेट यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो चलिए मैं एक टेम्पलेट यहाँ पे खोज करके इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ये एक टेम्पलेट है, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो है टेम्पलेट यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो गया। तो अब मैं सिंपली जो है बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद यहाँ पे जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ओके का बटन, इसे क्लिक कर लें। यहाँ पे देख सकते हैं साइड में डिलीट का आपको लोगो शो करता होगा, इस डिलीट के लोगो पर आपको क्लिक कर लेना, तो यहाँ से जो टेक्स्ट का ऑप्शन है वो कट जाएगा। तो ओके कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में आपको थ्री डॉट का ऑप्शन शो करता होगा, तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे इमेज साइज़ का ऑप्शन दिखता होगा आपको, मैं अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। ये आपको इमेज साइज़ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन फिर से आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कस्टम का ऑप्शन है, इस पर आपको एरो पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन शो करेगा, तो सिंपली जो है आपको YouTube बैनर का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करने के बाद जो है मैं इसे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद देख सकते हैं ये हमारा टेम्पलेट का फॉर्मेट रेडी हो गया। तो सिंपली फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर बीच में देख सकते हैं मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं शेप का ऑप्शन है, शेप के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। शेप के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ये शेप का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करते हैं यहाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें वाइट इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, इससे आपको पूरा जो है ऊपर अच्छे से एक एक साथ जो है मैच कर लेना है। मैच करने के बाद यहाँ पे इसी तरीके से आपको मैच कर लेना है। मैच करने के बाद यहाँ पे ओके का बटन है, इसे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड जो होता है वो वाइट हो जाएगा इस तरीके से। तो अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है एक कलर यूज़ करना है। अब आपको एक कलर चाहिए
जो आपका बैनर होता है बैकग्राउंड के लिए, ये क्योंकि ये वाइट है, ये वाइट उसके पीछे ही रहेगा, तो हमें एक कलर चाहिए, टेम्पलेट चाहिए। तो मैं सिंपली फिर से अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है थंबनेल इमेज, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा थंबनेल का इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इमेज फिर से क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा आपको इमेज यहाँ पे शो करेगा थंबनेल के लिए, बैकग्राउंड के लिए। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आप अपने हिसाब से जो है कोई भी एक थंबनेल के लिए बैकग्राउंड यूज़ कर ले। तो मैं ये एक बैकग्राउंड है इसे ही मैं यूज़ कर लेता हूँ, और डाउनलोड पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो गया। फिर से हम लोग चलते हैं पिक्सल लैब पे, पिक्सल लैब पे आ जाते हैं। ऊपर में देख सकते हैं कि प्लस का आइकन है, प्लस का आइकन पे क्लिक करें, फॉर्म गैल यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस का आइकन है, प्लस के आइकन पे आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्म गैलरी का ऑप्शन है, इस फॉर्म गैलरी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्स हमने डाउनलोड किया था थंबनेल के लिए बैकग्राउंड, यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो सिंपली आपको भी जो है इसी तरीके से इसे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में टिक का बटन होता होगा, दिखता होगा आपको, यहाँ पे टिक का बटन है, इसे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका वो जो इमेज है वो आ जाएगा। इसे हम लोग फिर से इसी तरीके से एडजस्ट कर देते हैं साथ में, और यहाँ पर एडजस्ट करके ओके कर लेते हैं। अब ओके करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि ऊपर में आपको देख सकते हैं लेयर का ऑप्शन है, ये लेयर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो जो एलिमेंट्स आपने यहाँ पे डाला है वो सारा एलिमेंट्स यहाँ पे शो करेगा। तो इसको आप लॉक कर लें। लॉक करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप इस पर वर्क करेंगे तो ये एलिमेंट्स हिलेगा नहीं। तो ये मैंने लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद अब हम लोग इसे बैक हो जाते हैं। इस पर आपको फिर से लेयर पर क्लिक कर लेना, ये हम लोग बैक हो गए। बैक होने के बाद ऊपर में प्लस के आइकन पर फिर क्लिक करना, गैलरी पर चले जाना, और यहाँ पे जो हम लोग यूट्यूब बैनर के लिए जो थंबनेल हम लोग यूज़ किया, जो डाउनलोड किया था, उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर लेते हैं, और फिर से आपको सेम प्रोसीजर है, इसे इसके साथ मैच कर लेना है। तो मैं इसे भी मैच कर लेता हूं, और मैच करने के बाद थोड़ा सा जो है इसे ये मैंने मैच कर लिया। मैच करने के बाद लेयर पे क्लिक कर लें, और इसे फिर इसे लॉक कर लें। लॉक करने के बाद फिर आप यहाँ पर लेयर पर क्लिक कर लें और मिनिमाइज बैक हो जाएँ। बैक होने के बाद यहाँ पर हमारा जो बैनर है यहाँ पर रेडी हो गया। अब आपको समझना है कि किस एरिया में आपको वर्क करना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि किस एरिया में आपको वर्क करना है। तो ये मैंने अंडरलाइन करके आपको एक बार दिखा देता हूं कि किस एरिया में आपको वर्क करना है। यहां पे सबसे पहले हम जूम के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जूम के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जूम हमारा हो गया है। अब जूम करने के बाद अब आपको क्या चाहिए, अगर आप फ़ोटो अपने यूज़ करना चाहते हैं तो सीधा गैलरी में चले जाएँ। गैलरी में जाने के बाद अपने एक फ़ोटो PNG जो होता है आप अपना उसे रेडी करके यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। तो मैंने अपना फ़ोटो का पहले ही PNG बना रखा है, तो मैं सीधे सिंपली जो है इसे यहाँ पे PNG को सेट कर लेता हूँ। अब से देख सकते हैं मैंने इसे सेट कर लिया। जूम से ये फ़ायदा होगा कि आप आसानी से जो है इसे देख करके मिनिमाइज़ करके अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इमेज जो है, अब इसमें आपको बहुत सारा इफ़ेक्ट है शेडो का है, अब इसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आप सीधा जो है इस तरीके से बैक हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं इनर शैडो का ऑप्शन है, इनर शैडो को इनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा कलर मिलेगा, आप अपने कलर के हिसाब से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं कोई कलर नहीं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे फिर शैडो का ऑप्शन है, शैडो को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, ब्लैक है, वाइट है, ग्रीन है, आप अपना हिसाब से रेड भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट भी यूज़ करते हैं। मैं इसे वाइट पे ही यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस पे चला जाता हूँ स्ट्रोक पे। स्ट्रोक पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वाइट है, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है, तो मैं इसे स्ट्रोक यूज़ नहीं करता हूँ। उसके चलते हैं ओपेसिटी पे। ओपेसिटी से ये फ़ायदा होगा कि आप अपना जो इमेज का जो होता है ट्रांसपेरेंट वो कम बेस कर सकते हैं। तो मैं इसे फुल ही रहने देता हूँ। फुल रहने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है। तो ये सिंपली मैंने आपको ये मोटा मोटी बता दिया कि इस तरीके से आपको जो है यूज़ कर लेना। ये फ्रंट का ऑप्शन है, ये बैक का ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करेंगे तो इमेज जो है अंदर बाहर होगा। ये आपका पोजीशन है, इसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये आपका जो है यहाँ पे रोटेशन का जूम और जूम इन का ऑप्शन है, इसे आप ऊपर नीचे जितना चाहें अपनी मर्जी से जूम इन जूम छोटा बड़ा इमेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3D रोटेट का भी ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से 3D रोटेट भी इसको कर सकते हैं। ये मैंने सारा आपका ऑप्शन यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है एंगल का ऑप्शन, इसे आप करके आसानी से जो है अपने एंगल के हिसाब से अपना इमेज सेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ये सारा चीज़ आपको बता दिया है। अब हम लोग सीधा क्या करते हैं, यहाँ पे 3D का भी ऑप्शन है, इसे मैं इनेबल नहीं करता हूँ, मैं इसे छोड़ देता हूँ ऐसे ही। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको फिर से जो है जूम के बटन पे क्लिक करके ऐसे अपने जो है जूम करके यहाँ पे अपना सेट कर लेना है कि इतनी दूर में आपको टेक्स्ट यूज़ करना है। तो मैं जो है सिंपली इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, जूम करने के बाद जूम आउट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो गया है। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपको किस एरिया में जो है वर्क करना है। तो ये जो ग्रीन एरिया है यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रीन जो एरिया है इसी ग्रीन एरिया में ही आपको सारा वर्क करना है, PNG यूज़ करना है, टेक्स्ट यूज़ करना है, अपना लोगो हो चाहे कोई भी हो, तो इसी ग्रीन एरिया में आपको यूज़ करना है। और अगर आपको पता नहीं है कि आप अपने इमेज का PNG कैसे बना सकते हैं, तो इस वीडियो के एंड में ही मैं आपको लिंक दे दूँगा, वीडियो दे दूँगा, आप उसे देख करके आसानी से किसी भी इमेज का PNG मिनटों में बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखा दी, इसी एरिया में आपको काम करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ भी है डेस्कटॉप मिनिमम एंड मोबाइल, यानी कि इस एरिया में अगर आप वर्क करेंगे तो कोई भी आपने मोबाइल में जब आपका चैनल खोलेगा तो उसी पे आपका जो बैनर होता है वो फुल साइज में दिखेगा, फुल स्क्रीन में उसको दिखेगा आपका यूट्यूब का जो बैनर होता है। तो ये हो गया, हम लोग मोटा मोटी ये समझ गए। अब मैं इसे फिर से जूम इन कर लेता हूँ, और जूम इन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप मिनिमम एंड मोबाइल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने ये आपको बता दिया, अभी इसे मैं जूम इन हल्का कर लेता हूँ, और करने के बाद जो है अब हम लोग का बारी आता है टेक्स्ट का। तो मैं आपको फिर से टेक्स्ट यहाँ पे एडिट करके दिखाता हूँ, और मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ, उस पर फिर आप अपना क्रिएटिविटी लगा करके आसानी से जो है अपना कर लेते हैं। यहाँ पर ए दिखता होगा, यहाँ पर ए जो है आपका टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लें, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट आ गया, एडिट के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसे पूरा इरेज कर लेता हूँ। इरेज करने के बाद अब आप अपना चैनल का जो होता है अपने हिसाब से लिख देते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, और इसके बाद जो है आप अपना जो चैनल का नाम है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे अलग ही रखूँगा। और सिंपली जो है मैं इसे जूम आउट करके इसे थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करूँगा, छोटा करने के बाद इसे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेट तो कर दिया, लेकिन यह थोड़ा सा आगे पीछे है, इसे मैं थोड़ा सा बराबर कर लेता हूँ, एक लाइन में कर लेता हूँ, और करने के बाद यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ये हमारा जो है टेक्स्ट सेट हो गया। तो सेट होने के बाद अब यहाँ पर फिर इसी तरीके से जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं कलर का ऑप्शन है, कलर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। कलर के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा कलर आएगा, यहाँ पे रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है, वाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं रेड भी है आपको, तो मैं रेड क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, इस फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारा फ़ॉन्ट आपको शो करने को दिखने को मिल सकता है। तो मैं सिंपली जो है ये एक फ़ॉन्ट है, इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये टेक्स्ट ऊपर नीचे है, तो इसे आपको छोटा करने के बाद थोड़ा सा साइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे यहाँ पे फिर से टेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना चैनल का जो नाम होता है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखने के बाद अब मैं इसे फिर से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है रेडी हो गया। अब मैं फिर से जो है सेम प्रोसीजर कलर पर जाता हूँ, ऐसे भी रेड रहने देता हूँ, फिर फ़ॉन्ट पे जाता हूँ और इस एरिया को जो है फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारा जो चैनल का जो नाम है यहाँ पे सेट हो गया आसानी से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैनर लगभग कंप्लीट हो गया। अब इसमें कमी है हमारे चैनल के लोगो की, क्योंकि हर कोई चैनल का लोगो बनाता ज़रूर है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना चैनल का लोगो यूज़ करना है। तो प्लस के आइकन पर क्लिक कर लें, फिर गैलरी पर, और मैं इसे नीचे कर लेता हूँ, ये मेरा चैनल का लोगो है, इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये भी PNG में है, अगर आपको PNG में बनाना है तो आप आसानी से अपना इमेज का PNG बना सकते हैं, मैं आपको बता चुका। यहाँ पे जो है मैं अपना चैनल का जो लोगो है यहाँ पे छोटा करके यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद देख सकते हैं ये मोटा मोटी जो है मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से जो है आप अपना बैनर बना सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि आपने इस बेकार से बैनर, ये मैंने आपको सिर्फ रास्ता बताया, क्योंकि बैनर हो या थंबनेल हो कोई भी चीज़ हो, ये आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सोच सकते हैं, उसी तरीके से आप अपना बना सकते हैं।
कोई बहुत कम सोचता है तो इसलिए उसका उतना बैनर या थंबनेल अच्छा नहीं होता, कोई बहुत अच्छा सोचता है तो उसका अपना अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से अच्छा बैनर और थंबनेल दोनों ही अच्छा बना लेता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक रास्ता बताया कि इस तरीके से आपको बनाना है, ये प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है, यहाँ से आपको एलिमेंट्स लेना है। तो इस तरीके से आप अपना एलिमेंट्स ले सकते हैं, इस तरीके से अपना जो है पिक्सल लैब में जाके अपने इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको बना लेना है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। अब इसे मैं बनाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैनर जो है इस तरीके से रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, कुछ करने अब आपको सिंपली जो है अब ये देख सकते हैं ये हमारा बैनर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब इसे आपको इम्पोर्ट कैसे करना है, यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर लेयर का ऑप्शन है, तो अब लेयर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमने यूट्यूब का बैनर जो टेम्पलेट यूज़ किया था यहाँ पे ये इस तरीके से दिखता होगा। इसे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में साइड में डिलीट का ऑप्शन है, इसे आपको डिलीट कर देना है। तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद देख सकते हैं ये हमारा बैनर पूरी तरीके से रेडी हो गया बैनर के लिए यूट्यूब के चैनल पर लगाने के लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सीधा जो है सिंपली जो है थ्री डॉट का जो ऑप्शन है उस थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद इम्पोर्ट इमेज का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे हमारा कस्टम का ऑप्शन है, यहाँ पे सेव गैलरी का ऑप्शन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये हमारा जो है सेव गैलरी का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो सेव हो गया। गैलरी में चला जाता हूँ, गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे ऑल पे जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो बैनर है अच्छे से सेट हो गया, बन गया है। अब बारी है इसे लगाएं कैसे। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो है आप अपने गूगल क्रोम पे चले जाएं। क्रोम पे जाने के बाद अपना जो यूट्यूब का जो चैनल है उसे ओपन कर लें डेस्कटॉप मोड में, यूट्यूब का जो चैनल है यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब आपको चले जाना है कस्टम पे, कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन है, ब्रांडिंग का ऑप्शन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ब्रांडिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे ब्रांडिंग के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर है, और यहाँ पे सेकंड में आपको दिख सकता है बैनर का ऑप्शन, बैनर इमेज चेंज एंड रिमूव। तो मुझे यहाँ पे चेंज करना, तो मैं इसे चेंज पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसे चेंज पे क्लिक करता हूँ और ये हमारा जो है यहाँ पे बैनर शो कर रहा है। मैं इसे एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैनर जो है अच्छे से सेट हो गया। अपना जो कैटेगरी है, कैटेगरी जो लाइन है, जो बॉर्डर है, उसी के अंदर में हमारा बैनर भी बन गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डन। तो पूरा हमारा जो बैनर है, जो सारा जो यूट्यूब का बैनर का जो इमेज होता है उसके अकॉर्डिंग बन गया है और उसके अंदर में ही है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसके सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बैनर रेडी हो गया, लग गया है। अब इसे हम लोग को क्या करना है, सिर्फ डन कर देना है। तो मैं यहाँ पे आपको डन नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी बैनर बना हुआ है, तो मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता। ये मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से आपको लगाता है, ये नहीं समझिए कि ये नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको अपना बैनर दिखाता हूँ कि मेरा बैनर कैसे लगा हुआ, मैंने बनाया था इसी तरीके से, और इसी तरीके से मैंने आपको भी बता दिया है। यहाँ पर डन का ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका बैनर लग जाएगा और चेंज भी हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सारा करने के बाद मैं अपना व्यू चैनल पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं व्यू चैनल पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इस तरीके से ही अपना बैनर बनाया था। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा बैनर है। यहाँ पे आप अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से इस तरीके का आसानी से जो है बैनर बना सकते हैं। तो ये बैनर आपका बन गया है। इस तरीके से आप अपना बैनर सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना बैनर सेट कर लिया था। तो इस तरीके से जो आप अपने YouTube का बैनर बना सकते हैं, इस तरीके से अपना क्रिएटिविटी यूज़ करके आसानी से जो है अपने एक अच्छा सा बैनर बना करके YouTube के चैनल पर लगा करके, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर आपका इम्प्रेशन फर्स्ट पहला अच्छा होगा तभी आपके चैनल पर कोई स्टे करेगा, रुकेगा, आपके वीडियो को देखेगा, आपके वीडियो को वॉच करेगा। क्योंकि जब कोई आपका वीडियो पे आए, आपके चैनल पे जब जाएगा, आपको किसी तरह का अनबॉक्सिंग करने के लिए देगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आपके चैनल को खोल करके देखेगा कि आप अपने चैनल को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हैं तो वो आपको देगा अनबॉक्सिंग करने के लिए, आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बात करेगा और आपके साथ अपना रिव्यू भी शेयर करेगा।
तो इस तरीके से जो है आप अपने YouTube के वीडियो पर बैनर बना करके अच्छे से अपना जो वीडियो जो चैनल होता है उसका एक अच्छा सा लुक बना करके रखें, ताकि आपको हर कोई पसंद करे, आपके चैनल को पसंद करे, आपके चैनल पे जाना चाहे, और आसानी से जो है आपको इसका फ़ायदा लास्ट में मिलेगा जब आप इस चीज़ को सीख जाएं, कर लेंगे तब। तो उम्मीद है कि इस तरीके से इस वीडियो को देख करके आप अपना YouTube का बैनर बना लें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक आ सके। तो इस वीडियो को देख करके आप अपना वीडियो का बैनर बनाएं, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई कमेंट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको जवाब जरूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।